दोस्तों, आज हम करने वाले प्रोडक्ट डेसिमल को प्रोडक्ट कैसे किया जाता था। ठीक है, एक हमारे यहाँ डेसिमल 0.7664 × 1000। तो हम इसको सिंपल वे से कैसे कर सकते हैं, 7.7 × 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे। इस पॉइंट को जैसे हम हटाएंगे नीचे वन आ जाएगा, वन हम लगा सकते हैं। अब पॉइंट के बाद कह लो कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। तो हम 1, 2, 3, 4 पॉइंट के बाद, पॉइंट हटाने के बाद हम वन लगा सकते हैं, वन हम वैसे ही लगा सकते हैं। और उसके बाद कितने जीरो लगाने, जितनी डिजिट होगी पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। अब देखो, जीरो से एक कर जाएगा, इस जीरो से एक कर जाएगा, इस जीरो से एक कर जाएगा, हमारे पास बच रहा 7664/10। क्या बच रहा है, 7664/10। अब एक जीरो है तो एक, अब हम क्या करेंगे, 7664 है तो अब एक गिनो, एक जीरो तो एक डिजिट गिनो, तो यहाँ पे लगेगा। अब पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ क्यों था तो ये जीरो से कट गए, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये ढंग से मल्टीप्लीकेशन कर सकते इसको सिंपल वे में। ठीक है, ऐसे हमारा सेकेंड है, बी का है 3449 × 1000 है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम तो कितने मैनुअल वन लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4। कितने 1, 2, 3, 4 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने डिजिट देखने, कितने डिजिट है, कितने 1 है 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगाए, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। अब हमारे पास क्या बचा, 3400009/10 बचा, ये बच्चा। अब तो हमें क्या करना, फिर वही हमें एक के बाद देखो है, 3400009 है, एक जीरो है हमारे पास, तो एक पॉइंट यहाँ लगेगा अब एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या है, 0.5562 × 1000 फिर है। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, कितने मैनुअल वन लगा सकते हैं आराम से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, इससे ये कट रहा। अब हमारे पास क्या बचा, 5662/10 बच रहा। तो हम क्या लिखेंगे, 5662, ये पे पॉइंट यहाँ लगेगा। तो इस ढंग से हम आराम से क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।